झीलों के शहर नैनीताल के लिए खतरा बन चुके बलिया नाले के पहाड़ों का अब जल्द ही उपचार शुरू होने जा रहा है। खतरनाक हो चुके इस पहाड़ के उपचार के लिए सिंचाई विभाग ने टेंडर भी निकाल दिए हैं। बलिया नाले के किनारे दो पहाड़ों से लगातार होने वाली लैंडस्लाइड की वजह से आसपास के इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं। बता दें कि लैंडस्लाइड की वजह से बलिया नाला पिछले करीब 25 सालों से खतरे की जद में है। हल्के हल्के लैंडस्लाइड के बाद अब ये पूरा इलाका खतरे की चपेट में रहता है। खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूस्खलन से इस पहाड़ का करीब 250 मीटर इलाका अब तक खाई में समा चुका है। सरकार के मुताबिक बलिया नाले पहाड़ के ट्रीटमेंट में करीब 178 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नैनीताल के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बलिया नाले के किनारे दो पहाड़ों में पिछले कई सालों से हो रही लैंडस्लाइड्स की वजह से नैनीताल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। देखिए, इसमें इस योजना की स्वीकृति मिल चुकी है और इसमें टेंडर इत्यादि की कार्रवाई जारी है। इसकी लागत कुल लागत 177.91 करोड़ है, जिसमें 5 करोड़ पर्यटन के हैं और इसमें 2 करोड़ जल संस्थान को दिए जाने हैं, जिससे वो ट्यूबवेल लगाएंगे। उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मुताबिक 177 करोड़ 91 लाख की लागत से बलिया नाले पहाड़ का ट्रीटमेंट होना है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग को उम्मीद है कि पहाड़ों के ट्रीटमेंट का काम फरवरी से शुरू हो जाएगा। विभाग के मुताबिक योजना को लेकर आ रही अड़चनों और तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। योजना पर काम शुरू करने से पहले कुछ परिवारों को वहां से विस्थापित भी किया जाना है। सिंचाई विभाग के मुताबिक पहाड़ों के ट्रीटमेंट की योजना के तहत 5 करोड़ की लागत से पर्यटन विभाग इस क्षेत्र को विकसित करेगा, जबकि 2 करोड़ की लागत से जल संस्थान अपनी कार्य योजना को पूरा करेगा। पहाड़ों के ट्रीटमेंट का काम पूरा होने में करीब 3 साल लगेंगे। शेष 170 करोड़ की योजना सिविल वर्क की है वहाँ पर, और उसमें हमारा उस स्लोप को स्टेबलाइज करने का कार्य होना है, जिसमें हम SDA लगाएंगे, सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स का काम होता है। इसको लगाकर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा, जो भी लूज मास है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा, और इसका काम जो है वो 3 वर्षों में पूर्ण होगा। तो इसके अनुबंध की कार्रवाई जारी है, 1-2 दिनों में ही कार्य प्रारंभ होने की संभावना है और इसको हम जल्द से कर देंगे। आपको बता दें कि बलिया नाले के अस्तित्व पर 80 के दशक से लगातार खतरा बढ़ रहा है। भूस्खलन से पहाड़ का करीब 250 मीटर का क्षेत्र अब तक खाई में समा चुका है और बरसात के समय भूस्खलन का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। बलिया नाले इलाके में करीब 400 परिवार रहते हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से करीब 100 परिवार घर छोड़कर पहले ही यहां से जा चुके हैं, जबकि खतरे की जद में आए मकानों में रहने वाले 80 परिवारों का अभी भी शिफ्ट किया जाना है। सिंचाई विभाग का दावा है कि एक बार पहाड़ों का ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद अगले 100 सालों तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने बलिया नाले का स्थायी उपचार का आदेश उत्तराखंड सरकार को दिया था, ताकि नैनीताल के अस्तित्व को बचाया जा सके। कोर्ट के आदेश के बाद ही सिंचाई विभाग इसे लेकर संजीदा हुआ। विभाग बलिया नाले के साथ साथ आलू खेत इलाके में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए भी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।